वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारे लेक्चर का टॉपिक है टेक्नोलॉजी ऑफ ओमिक हीटिंग फॉर द पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। दिस इज पार्ट वन। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ ओमिक हीटिंग। Since dairy products contain most of the nutrients needed to build the human body, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि अगर आप मिल्क को ही ले लेते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो मिल्क कंटेन्स अ नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स बिसाइड्स वाटर। जो मिल्क होता है, मिल्क में वाटर होता है और वाटर के साथ ही साथ में उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू हैव मिल्क विद नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवन दो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ आइडियल हेल्दी कंडीशंस एंड सैनिटेशन ऑफ एनिमल और मिल्कमैन। कहा जा सकता है कि आप ये इमेजिन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि जो मिल्क है, मिल्क में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। यहाँ तक कि अगर आप आइडियल हेल्थ की कंडीशंस लेते हैं कि वह ऐसी कंडीशंस जहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है या जहाँ पे सैनिटाइजेशन हो चुका है जिस एनिमल से आप मिल्क निकाल रहे हैं, या फिर जो मिल्क मैन है, जो दूध वाला आता है दूध देने, वो पूरा सैनिटाइज्ड है, उसके बावजूद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स तो मिल्क में प्रेजेंट ही होंगी। लगभग कहना मुश्किल है, नियरली इम्पॉसिबल कि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। कंटेमिनेशन इंक्लूड्स मिक्स्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो कंटेमिनेशन होता है, जो कंटेमिनेशन का मतलब होता है जो हार्म हो जाता है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट कर देते हैं, उनमें जो कंडीशंस होती हैं उसमें मिक्स्ड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कंटेमिनेशन किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होता, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तब जाके किसी चीज़ को कंटेमिनेट कर पाते हैं। पार्ट ऑफ इट इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। और ये जो कंटेमिनेशन है, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही हानिकारक हो, हमेशा ही नुकसानदेह हो, लेकिन कुछ केसेस में ये हार्मफुल भी हो सकता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। एज दीज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मिल्क में, ये लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। अदर्स आर हार्मफुल बिकॉज दीज कॉन्ट्रीब्यूट इन ट्रांसपोर्टिंग डिसीज और प्रोड्यूस पॉइजन्स। अब कुछ तो एसिड के प्रोडक्शन की वजह से हार्मफुल हैं, कुछ इसलिए भी हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली डिसीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। आपने मिल्क लिया, मिल्क के साथ में कंटेमिनेशन पहुंचा आपकी बॉडी में और आपको डिसीज हो सकती है क्योंकि वो पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं। द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क फोकस ऑन टू एस्पेक्ट। दो एस्पेक्ट हैं जो मिल्क के पाश्चराइजेशन के लिए। पाश्चराइजेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू मिल्क को स्टरलाइज किया जाता है, उसमें से किसी भी कंटेमिनेशन को या कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स, उनको रिमूव किया जाता है। तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला है हेल्थ एस्पेक्ट। हेल्थ एस्पेक्ट विच एलिमिनेट्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क। ये एक ऐसा पार्ट है इसका जिसमें कि जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं मिल्क में, उनको हटाया जाता है, उनका रिमूवल किया जाता है। इस प्रोसेस में इट एलिमिनेट्स 95-99% ऑफ बैक्टीरिया इन मिल्क। मिल्क से लगभग 95-99% तक बैक्टीरिया को रिमूव कर दिया जाता है
एज वेल एज 100% ऑफ ईस्ट एंड मोल्ड। ईस्ट एंड मोल्ड जो है इनकी 100% तक की रिमूवल कर दी जाती है ड्यू टू मिल्क एक्सपोजिशन टू डिफरेंट टेम्परेचर्स एट डिफरेंट टाइम। अलग अलग तरीके का टेम्परेचर लिया जाता है, अगर बहुत हाई टेम्परेचर है तो उसको कम टाइम के लिए उसको स्टरलाइज करना पड़ेगा, और अगर आपने टेम्परेचर लो लिया है तो टाइम आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ सकता है ताकि आप उसमें से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट कर पाएं। अगला आता है द सेकेंड एस्पेक्ट इंक्रीजेस द एबिलिटी ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जो सेकेंड एस्पेक्ट होता है वो मिल्क के प्रिजर्वेशन की एबिलिटी के लिए होता है ताकि पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को रिमूव किया जा सके। तो हमने पाश्चराइजेशन के दो एस्पेक्ट तो देख लिए, लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि ये पाश्चराइजेशन की प्रोसेस को कैसे कराया जा सकता है, कैसे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिल्क से एलिमिनेट कर सकते हैं। सो मेथड्स ऑफ मिल्क पाश्चराइजेशन। सबसे पहला मेथड है बैच पाश्चराइजेशन। इन दिस टाइप ऑफ पाश्चराइजेशन मिल्क इज एक्सपोज्ड टू 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 30 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर को 60 डिग्री के आसपास रखा गया है, और इस टेम्परेचर पे अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और ये टाइम 30 मिनट से कम का नहीं होना चाहिए। आधा घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा ताकि आप मिल्क को पाश्चराइज कर पाएँ। द ट्रीटमेंट इज डन इन बैचेस। बैच के फॉर्म में ट्रीटमेंट होता है एंड इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक और टैंक मेथड। ये जो बैच पाश्चराइजेशन होता है इसी को डॉक मेथड बोल सकते हैं या फिर इसको टैंक मेथड भी बोला जाता है। अगला आता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। अब ये जो बैच पाश्चराइजेशन है एक हिसाब से इसको आप लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम भी बोल सकते हैं, LTLT बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसमें क्या किया जाता है, इसमें टेम्परेचर को थोड़ा हाई लिया जाता है। देखिए पहले टेम्परेचर को लिया गया 62 डिग्री सेंटीग्रेड और अभी टेम्परेचर को 72 बढ़ा दिया गया है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और इस टेम्परेचर पर अगर आप मिल्क को ट्रीट करते हैं तो आप बहुत ही कम समय में इसको पाश्चराइज कर लेते हैं। इसमें आप 15 सेकेंड में मिल्क को पाश्चराइज कर लेते हैं। अगला है वैक्यूम पाश्चराइजेशन। मिल्क इज एक्सपोज्ड टू डिफरेंट थर्मल ट्रीटमेंट्स अंडर वैक्यूम। अब इसमें क्या होता है, वैक्यूम में मिल्क का अलग अलग टेम्परेचर पे ट्रीटमेंट किया जाता है। The objective is to get rid of bad smell of some dairy product. ये जो vacuum pasteurization है ये mainly इसलिए नहीं किया जाता है कि इसमें microorganisms का removal हो, इसका जो main objective होता है वो ये होता है कि अगर किसी भी dairy product में कोई भी bad smell है, कोई बुरी smell है तो उसको दूर किया जा सके। Milk is exposed to 90.5 to 96.1 degree centigrade under vacuum pressure. Vacuum pressure में मिल्क को 90 से 96 एक एवरेज लेके चल रहे हैं, इस एवरेज में वैक्यूम में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है देयर आर अदर मेथड्स ऑफ पाश्चराइजेशन। ये तो मेन मेथड्स थे जिनका एक बहुत ही ब्रॉड स्केल पे यूज़ किया जाता है, लेकिन एक अगला आता है नैरो स्केल पे भी जो ट्रीटमेंट होता है मिल्क का, उसके लिए भी कुछ मेथड्स हैं पाश्चराइजेशन के। जैसे कि पहला है कंटिन्यूस फ्लो सिस्टम।
मिल्क इज अलाउड टू फ्लो थ्रू पाइप्स। अब इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस फ्लो सिस्टम, मतलब कि लगातार मिल्क को फ्लो कराया जाएगा। तो कहाँ फ्लो कराएंगे, थ्रू पाइप्स, पाइप्स के थ्रू फ्लो कराया जाएगा। एंड एट द सेम टाइम इट इज एक्सपोज टू डिफरेंट थर्मल ट्रीटमेंट्स फॉर हाफ एन आवर। सेम टाइम पे इसको अलग अलग थर्मल ट्रीटमेंट्स दिए जाएंगे आधे घंटे के लिए। एंड द लेंथ ऑफ पाइप इंश्योर्स एडिक्वेट थर्मल ट्रीटमेंट। अब जो पाइप की लेंथ है, इसमें जिसमें आप कंटिन्यूसली उसको फ्लो करा रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लगभग इस प्रोसेस को आधे घंटे तक किया जाता है। और जो पाइप की लेंथ होती है वो इंश्योर करती है कि एडिक्वेट थर्मल ट्रीटमेंट उसको मिले। अगला मेथड है पाश्चराइजेशन का, इंफ्रारेड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, मिल्क इज अलाउड टू फ्लो थ्रू हॉरिजॉन्टल रस्ट प्रूफ आयरन पास। हॉरिजॉन्टल रस्ट प्रूफ आयरन पास होते हैं जिनमें कि मिल्क को फ्लो कराया जाता है। एंड ये जो आयरन पास होते हैं, ये दैट आर एक्सपोज्ड टू इंफ्रारेड रेज, कुछ हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होंगे और ये एक्सपोज्ड होंगे इंफ्रारेड रेज से। इस पर कंटिन्यूसली इंफ्रारेड रेज पड़ रही होंगी until temperature rises to 85 degree centigrade for a desired product। ये infrared treatment तब तक दिया जाएगा जब तक कि temperature 85 degree centigrade तक नहीं पहुँच जाता, ताकि आपको एक desired product मिल जाए। अगला आता है microwave। microwave शायद सभी लोग जानते भी होंगे, और ये भी एक तरीके से पाश्चराइजेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, मिल्क इज़ एक्सपोज्ड टू द माइक्रोवेव एनर्जी इन बैचेस टू हैव अ टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड। माइक्रोवेव में भी नॉर्मल जिस तरीके से पाश्चराइजेशन होता है, लगभग उसी तरीके से इसमें भी किया जाता है। 72 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लगभग 15 सेकेंड के लिए देकर आप माइक्रोवेव में भी मिल्क का पाश्चराइजेशन कर लेते हैं। अगला मेथड है यूज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के यूज से भी मिल्क का पाश्चराइजेशन किया जा सकता है। तो ये तो मेथड्स हैं जो कि मेन मेथड, दैट इज जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट आपने देखा था, उनके अलावा ये कुछ मेथड्स हैं जिनकी मदद से पाश्चराइजेशन की प्रोसेस की जा सकती है। The ohmic heating to treat foods is being widely used throughout the world। एक ohmic heating नाम का कॉन्सेप्ट आता है जो कि फूड्स को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी स्केल पे पूरी दुनिया में यूज़ किया जा रहा है। अभी इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है, इतना ज़्यादा क्यों यूज़ किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू लो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, एज वेल एज नीड ऑफ स्मॉल स्पेस। इसको स्पेस भी बहुत कम चाहिए होता है इन कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल मेथड। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए है सभी को स्पेस भी बहुत चाहिए है, लेकिन जो ओमिक हीटिंग का कंसेप्ट है इसमें ना तो आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए है और ना ही बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए है। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी इन प्रिपेयरिंग फूड गिव्स क्लीन एंड एफिशिएंट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत क्लीन और एफिशिएंट एनर्जी मिलती है आपको, सुटेबल टू एनवायरनमेंट कंपेयर्ड विद क्लासिकल मेथड। जो क्लासिकल मेथड्स हैं उनकी बजाय आपको बहुत ही क्लीन एंड एफिशिएंट एनर्जी मिलती है जो कि सुटेबल होती है, आपके मिल्क को इजीली अच्छे से ट्रीट कर सकती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ पाश्चराइजेशन। ये पाश्चराइजेशन की हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत हुई, पाश्चराइजेशन की
कैसे इस प्रोसेस को स्टार्ट किया गया? सो द टर्म पाश्चराइजेशन वॉज नेम्ड ड्यू टू फेमस फ्रेंच केमिकल साइंटिस्ट लुईस पाश्चर। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ये इतने महान साइंटिस्ट हैं इनका नाम ना सुना हो। लुईस पाश्चर सभी ने सुना होगा और सभी ने इनका जो एक्सपेरिमेंट था जो वर्क किए सभी ने पढ़े ही होंगे। तो ये जो पाश्चराइजेशन की प्रोसेस थी ये भी इन लुईस पाश्चर जी के द्वारा ही दी गई थी, हु हैड इस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोबियल साइंस रूल, जो जिन्होंने बहुत सारे ऐसे रूल बनाए। माइक्रोबियल साइंस पे इनका वर्क था, इन्होंने बहुत से माइक्रोब्स पे, एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है स्वान नेट एक्सपेरिमेंट, वो भी माइक्रोब्स पे था लुईस पाश्चर जी का। तो सभी ने देखा होगा, पढ़ाई होगा, तो पाश्चराइजेशन प्रोसेस भी इन्होंने दी थी। ही कंक्लूडेड दैट मिल्क फर्मेंटेशन वॉज सिमिलर टू एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो मिल्क के फर्मेंटेशन की प्रोसेस थी ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से सिमिलर थी, एज दे शेयर्ड द सेम फर्मेंटिंग फैक्टर इन ग्रोथ ऑफ अनवांटेड माइक्रोब्स। और सिमिलरिटी कैसे थी, क्योंकि उन्होंने जो फर्मेंटिंग फैक्टर्स होते हैं जो जो कि अनवांटेड माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए जो फर्मेंटिंग फैक्टर्स होते हैं वो दोनों में ही सेम रहते हैं। इन 1880 ही स्टार्टेड द यूज ऑफ पाश्चराइजिंग डिवाइसेस। 1880 तक उन्होंने पाश्चराइजिंग डिवाइसेस बना ली थी और उनका यूज स्टार्ट किया था टू हीट द मिल्क एट द टेम्परेचर रेंज ऑफ 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पाश्चराइजिंग डिवाइसेस इन्होंने बनाई थी उनमें मिल्क को 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जा सकता था विदाउट डिटरमाइनिंग द रिटेंशन टाइम। हाउएवर He rapidly paid attention to the fact that milk pasteurized with no retention time could cause disease to consumers transmitted by milk. अगर retention time नहीं है milk में तो जो milk pasteurized होके तैयार हुआ है वो जो भी उस milk को पी रहा है उसमें बहुत सारी disease को cause कर सकता है। At the end of this century, scientists started the use of pasteurizing devices. जो सेंचुरी थी 1800 की, इसके एंड तक ज़्यादातर साइंटिस्ट इसी पाश्चराइजिंग डिवाइस का यूज़ करने लगे थे। Using pipes to seize milk at a pasteurizing temperature. उस टाइम पे पाइप्स का यूज़ किया जाता था मिल्क को सीज करने के लिए। मिल्क पाश्चराइजेशन। सो मिल्क पाश्चराइजेशन इज अ थर्मल ट्रीटमेंट टू ईच मॉलिक्यूल ऑफ मिल्क एट अ टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मिल्क पाश्चराइजेशन है ये एक थर्मल ट्रीटमेंट है, जो मिल्क होता है ये इस मिल्क के हर मॉलिक्यूल को ट्रीट करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे। It can be done either by slow methods as temperature rises between 62 and 65 degree centigrade for 30 minute or by HTST method, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा high temperature short time method with a temperature of 71.8 degree centigrade for 15-40 minute or by flash heating that is 80-90 degree centigrade for 1-4 second or exposing milk to a temperature between 94 degree centigrade and 100 degree centigrade for 0.01-0.1 second। आप देखिए कितने सारे मेथड्स हैं मिल्क को पाश्चराइज करने के। इस टेम्परेचर पे लिया तो इतने टाइम तक, अगर आपने टेम्परेचर इतना लिया तो ये सारी रेंज देखे, ये 15-40 सेकेंड होगा, ये मिनट नहीं होगा। और
आपने अगर टेम्परेचर 94 to 100 ले लिया है तो आपको 1 सेकेंड से भी कम सेकेंड में मिल्क का पाश्चराइजेशन होके मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग मेन जो कॉन्सेप्ट है ओमिक हीटिंग, तो वो देखने वाले हैं। अभी तक तो हम मिल्क के पाश्चराइजेशन के जो ट्रेडिशनल मेथड थे हम उन पे थे, अब हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे शिफ्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्योंकि ओमिक हीटिंग में इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट लेस पॉपुलर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसके कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा कम पॉपुलर होते हैं, और इसके साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी थोड़ा कम पॉपुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज मोर फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ पावर सोर्स एट लो कॉस्ट इन कंपेरिजन विद अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है ये सबसे ज़्यादा इजिली अवेलेबल होता है। भाई आपके यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी आती होगी, बहुत इजिली अवेलेबल होती है। अब सोलर लाइट इतनी ज़्यादा इजिली अवेलेबल नहीं है, या एनर्जी का कोई और भी सोर्स है वो इतने अच्छे से आपको नहीं मिलता है जितने अच्छे से आपको इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट मिल जाती है। तो अब आता है ओम का लॉ, जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी पे। सो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज ऑन द सर्किट। जो भी आपका सर्किट है उसमें जो वोल्टेज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट आप ले रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज का, मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। इसके अलावा द रिलेशनशिप ऑफ द करंट एंड वोल्टेज इन द सर्किट इज लीनियर, लीनियर रिलेशनशिप होता है। एज वेल एज पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस टू द सर्किट। ये वोल्टेज को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को आई लेते हैं यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये रेजिस्टेंस के। तो कुछ ये ओम का लॉ जो इक्वेशन बन के आती है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, दैट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यही है ओम का लॉ। आप ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज के बीच में ये लीनियर रिलेशनशिप है, और इसी यही स्लोप है, ये जो लाइन है यही स्लोप होता है ओम लॉ का। रेजिस्टेंस लीनियर होता है, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस को हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते ही हैं। और अगर हम ट्रायंगल के फॉर्म में इसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये आर है। तो तीन तरीके से आपने ओमिक लॉ को समझ लिया। तो अब हम आते हैं ओम लॉ की डायरेक्ट डेफिनेशन पे। ओमिक लॉ स्टेट्स दैट द करंट दैट इज आई फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज एंड इन्वर्सली टू द रेजिस्टेंस। जो करंट फ्लो हो रहा होता है सर्किट में वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है कोई भी रुकावट। अब रुकावट अगर ज़्यादा होगी तो स्पीड तो कम हो ही जाएगी, रुकावट कम है तो बहुत ईजिली फ्लो करेगा, तो इसीलिए इसको इन्वर्स रिलेशन में बोला जाता है। इसकी जो इक्वेशन आती है वो आती है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, दैट इज जो करंट होता है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अब अगर आप इस इक्वेशन को डिराइव करने जाएं तो इसको आप कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिखा आपने तो यहाँ आपने करंट निकाली। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा ये जो वोल्टेज है वोल्टेज को आप डिवाइड कर देंगे करंट से, तो ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका करंट है आई इसको आप डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस से,
तो ये आपका वोल्टेज निकल आएगा। तो यही इक्वेशंस यहाँ पे डिराइव करके भी मैंने आपको दिखाई हैं कि जो ओम का लॉ है ये तो डायरेक्टली करंट के लिए है, लेकिन करंट के अलावा अगर रेजिस्टेंस या वोल्टेज निकालना है आपको तो वो आप ऐसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं ओमिक मिल्क पाश्चराइजर की डिज़ाइन कैसी होती है, ओमिक मिल्क पाश्चराइजर कैसा होता है। तो आप या देख सकते हैं ये ओमिक पाश्चराइजर का डायग्राम है, कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। सारी चीज़ें इसमें क्या क्या हैं ये हम चलिए देखते हैं। ओमिक मिल्क पाश्चराइजर कंसिस्ट ऑफ रॉ मिल्क टैंक होता है इसमें, और जो टैंक होता है वो होता है डबल जैकेट ऑफ 25 लीटर कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी लगभग 25 लीटर तक होती है। मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील का बना होता है। फीड पंप ऑफ प्लास्टिक ऑफ 70 वाट पावर की फीड पंप होती है। हीट एक्सचेंजर होता है 120 सेंटीमीटर लेंथ में, और हीट एक्सचेंजर का डायमीटर 1.25 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसमें होती है एक हीटिंग ट्यूब मेड ऑफ हीट रेजिस्टिंग टेफ्लॉन ऑफ 36 सेंटीमीटर लेंथ। ये टेफ्लॉन की बनी हुई हीटिंग ट्यूब इसमें ली जाती है, जिसका कि लेंथ होता है 36 सेंटीमीटर और डायमीटर होता है 5 सेंटीमीटर, एंड कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील के बने हुए इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि हीट कर सकते हैं मिल्क को एट 3 डिफरेंट वोल्टेज। दो तीन अलग अलग तरीके के वोल्टेज पे हीटिंग की जा सकती है, दैट इज 80 वोल्ट, 110 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। नेक्स्ट आता है दीज इलेक्ट्रोड्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन द ट्यूब इन अ पैरेलल अरेंजमेंट। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनका अरेंजमेंट पैरेलल रखा जाता है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज वॉज ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इन इलेक्ट्रोड्स को रखा जाता है। इसके अलावा द डिवाइस ऑल्सो इंक्लूड्स अ होल्डिंग ट्यूब ऑफ 4 मीटर इन लेंथ। 4 मीटर की एक होल्डिंग ट्यूब होती है जिसका डायमीटर होता है 1 सेंटीमीटर, टू होल्ड मिल्क फॉर 15 सेकेंड, जिसमें कि आप मिल्क को 15 सेकेंड तक रोक के रख सकते हैं एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड। इट ऑल्सो हैज एन इलेक्ट्रिक वॉल्व, एक इलेक्ट्रिक वॉल्व होता है, नॉन रिवर्स डिलीवरी वॉल्व एंड मैनुअल वॉल्व। ये इतने तरीके के वॉल्व होते हैं। तो अब इसके बेस पे जो इक्वेशन आती है मिल्क पाश्चराइजर की वो होती है 1/U = 1/HA + x/K + 1/HB। अब क्या हैं ये सारी चीज़ें, जो HA, HB, X एंड K हैं ये होते हैं आर हीट ट्रांसफ़र बाई कन्वेक्शन फॉर हॉट एंड कोल्ड मिल्क। ये हीट ट्रांसफ़र का कन्वेक्शन होते हैं, पाइप थिकनेस होती है, एंड हीट ट्रांसफ़र बाई कंडक्शन फॉर पाइप रेस्पेक्टिवली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। आप ये इमेज भी देख सकते हैं, ये एक लाइन डायग्राम था। इसके अलावा ये आप डिटेल्ड डायग्राम देख सकते हैं ओमिक पाश्चराइजर का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो ITLS Academy ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू ITLS Academy। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।